तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और दोस्तों, आज का सुबह भी बढ़िया हुआ। सोचा नहीं था, मतलब एक दो दिन जिम स्किप हो जाएगा था लग रहा था मुझे, लेकिन थैंक्स टू क्या नाम है, बॉडी टेक जिम, यहाँ पर अपन आए थे एक ट्रायल के लिए। क्योंकि जो साफिस जो दोनों आए थे, तो उनको यहाँ पर जो मतलब रेगुलर बेसिस में अगर जिम ज्वाइन करना है तो उसके लिए ट्रायल लेने आए थे। उनके यहाँ कुछ कुछ वर्क रहता है, इधर आना जाना होता रहता है। तो आज हो गया वर्कआउट, अच्छा रहा आज का। आज मेरा शोल्डर जो था, जैसे मंडे रहता है, साथ में थोड़ा सा ट्राइसेप्स भी कर लिए। और भैया ये जगह है, हाँ, तो मैं कह रहा था कि आज का वर्कआउट हो ही गया, हाँ, जैसे शोल्डर और ट्राइसेप्स दोनों कर लिए। और अब चलते हैं वापस से सुरगी। आज है तीज, तीज में तो आज जो फास्ट रखते हैं मम्मी लोग, तो कल था करूँ भात, तो कल करूँ भात हो गया। रात को जो करेला सब्जी खाते हैं, और मतलब आज दिन में फास्ट रहते हैं फिर 12 आवर्स। तो दोस्तों, एक बार फिर से अपन आज आ गए हैं, आज है दूसरा दिन हमारा सुरगी गांव में। और हम लोग पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हैं यहाँ पर नहाने के लिए। जो नदी है वहाँ इतना बढ़िया बारिश, मतलब बारिश नहीं है, नदी का जो पानी है, डैम का पानी है, फ्लो हो रहा है। और यहाँ पर बढ़िया सा वाटर फ्लो, अच्छा तेज है, गड्ढा नहीं है ज़्यादा, ये घुटने तक ही है यहाँ पर जो गहराई है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पर आराम से नहा सकते हैं। तो अभी चलते हैं अपन, तब आ गए हैं और नहाएंगे बस। तो दोस्तों, इट्स अ गुड सनी डे, और आज भी नहा लिया अपन यहाँ पर, बढ़िया मज़ा आया आज भी नहाने में। ये ठंडा ठंडा पानी बहता हुआ, फ्रेश वाटर, तो नहाने में मज़ा ही आता है बहुत। आज भी एक घंटे से ज़्यादा हो ही गए, और फिलहाल अपन जा रहे हैं कुछ फूल तोड़ने। यहाँ पर पास मंदिर है, वहीं पर कनेर के बहुत सारे पेड़ हैं, वहाँ पर जा रहे हैं फूल तोड़ने, क्योंकि आज तीज त्यौहार। आज मम्मी लोग करेंगे पूजा, तो पूजा का क्या क्या प्रोसीजर होता है वो सब भी दिखाऊंगा। और घर में चल रही है अभी डेकोरेशन, इस चीज़ की पूजा की, शिव जी का पूजा करते हैं, तो बढ़िया सा फुलेरा सजाते हैं, फूल से ऊपर से डेकोरेशन रहता है, तो वो डेकोरेशन आपको दिखाऊंगा मैं डिटेल में। पहले फूल तोड़ते हैं और फटाफट पहुँचते हैं घर, तो आपको दिखाता हूँ नज़ारा कैसा होता है डैम का, ब्यूटीफुल है। वैसे तो बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन यहाँ वाला मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर जो पानी बह रहा है उसका जो आवाज़ है, मज़ा आ गया। तो चलते हैं ऊपर, यहाँ भैया और मामा जी तोड़ रहे हैं फूल, कनेर के फूल इतने सारे, बहुत सारे वाइट वाले हैं, येलो वाले हैं। कौन सा, वाइट वाला ले जाने, येलो वाला, दोनों ऊपर से तोड़ना पड़ेगा, थोड़ा ऊपर ऊपर है, चढ़ तो जाऊं, वेट रहेगा तो ऊपर पर तोड़ना पड़ेगा, देखते हैं। राजन द फूल हंटर दूर दूर से, कोने कोने से छांट छांट कर फूल तोड़ते हुए, वही तो ऊपर में और है, जस्ट ऊपर में है, रुको मैं तोड़ता हूँ। दोस्तों, तैयारी चालू हो गया है फुलेरा बनाने का, अभी शिव जी क्या शिवलिंग बना रही है हमारी बहन डॉली, और बहुत ही एक्सपर्ट है ये मिट्टी का, क्या बोलते हैं, मिट्टी का जो भी बनाते हैं उसमें, तो इसमें जब भी शिवरात्रि रहती है उसमें बनाती है। दोस्तों, हमारा जो शिवलिंग है वो बनकर तैयार हो गया है, भाई नंदी जी भी तैयार हो गए हैं, और हमारे शिव महाराज चालू हो गए हैं, थैंक्स टू डॉली हमारी आर्टिस्ट।
दोस्तों अभी बज गए हैं 1:30 दोपहर के और हमारा गैंग निकल गया है रेडी होकर प्रॉपर। कहाँ यार अपन चल रहे हैं मूवी देखने, जवान मूवी। मैं तो थोड़ा देख लिया हूँ लेकिन बहुत गर्म है ये दादा, सीट जल रहा है भाई। इतना गर्म कैसे हो गया? गर्म है कि सीट को पानी डालकर ठंडा करना पड़ रहा है। इधर भी डाल दे भाई, ये डायरेक्शन सूरज के सामने इतना गर्मी हो गया। अबे वैसे नहीं, थोड़ा थोड़ा डालना। ये नया नया चलो भाई, गाड़ी चल। बहुत गर्मी है, अपने बस सीट जल रहा है ना, बैठ पा रहा हूँ ना टिक पा रहा हूँ, टाइम लगेगा अभी ठंडा होने में। अपन आ गए हैं राजनांदगांव के यूएस, जो यहाँ पर एक ज़्यादा थिएटर है वहाँ पर अपन तीनों आ गए हैं। और कौन सी देखे हैं अपन? अपन आए जवान। हाँ मैं तो देख लिया हूँ, मैं अच्छा रिव्यू दिया हूँ इसलिए इन लोग भी देखने आए हैं, इन लोग भी देखने आए हैं मेरा रिव्यू देखने सुनने के बाद। तो अब वापस आएंगे और इन लोग से लेंगे रिव्यू कि मेरा रिव्यू खरा उतरा कि नहीं और इन लोग का एक्सपीरियंस कैसा रहा मूवी का। तो मूवी देख के आ चुके हैं हम लोग, और कैसा लगा भैया मूवी? ऑसम मूवी है, जबरदस्त मूवी है, विक्रम राठौड़ देखने जरूर जाना चाहिए लोगों को। और जो मैसेज दिया उसके लिए कुछ, जो नेशनल इंटरेस्ट में कुछ मैसेज दिए गए? यार देखो मेरा पर्सनल व्यू तो ऐसा है कि एनी हाउ शाहरुख का मूवीज अच्छा रहता है, चल जाता है, बहुत अच्छी बात है। मैसेज थोड़ा ज्यादा दे दिया लेकिन मेरे हिसाब से मेन एक्शन ही ज्यादा था, है ना? एक्शन मस्त था उसमें, एक्शन और जो स्टोरी मेन स्टोरी बैकग्राउंड स्टोरी चलते रहती है वो। और जो तुम लोग विक्रम राठौड़ करके कूद रहे थे ना, मेरे को देखना था विक्रम राठौड़ कौन है। अब देख लिए, पता चल गया। और अभी अपन आ चुके हैं मार्केट, यहाँ पर छोटा सा मार्केट लगा हुआ है पीकल के, जो कुछ कुछ खाने का बनाने वाले हैं मम्मी लोग, लाइक मिर्ची भजिया और कुछ कुछ और अदर वेजिटेबल्स चाहिए उसके लिए, कल की प्रिपरेशन के लिए, मतलब कल उनको फास्ट तोड़ेंगे, आज 24 घंटे फास्ट रहते हैं उन लोग, काउंट है 24 घंटे फास्ट रहने के बाद, जब कल आफ्टरनून में पूजा करने के बाद उन लोग अपना फास्ट तोड़ेंगे तो उस टाइम के लिए चाहिए होगी हमें सब्जियां, लेकिन यहाँ पर कुछ ढूंढ रहे हैं वो मिल नहीं रहा है हमको, शायद है बड़ा वाला मिर्ची, यहाँ पर वो चीज़ तो नहीं है जो अपन ढूंढ रहे थे, एक दो चीज़ें और मिल जाए तो देखते हैं फिर चलते हैं। वजह के लिए मिर्ची के हंड में जाना पड़ेगा हम लोग को दूसरे मार्केट, क्योंकि यहाँ तो नहीं मिल पाया मिर्ची, जहाँ पर मिलेगा बड़ा मार्केट कौन सा है वो आंटी बोली बड़ा मार्केट में लगे आ नहीं है क्या मिर्ची? तो वो बड़ा मिर्ची घाट बाजार में, घाट बाजार और कोई मेन मार्केट मेन मार्केट है यहाँ पर राइट में, और चलो बड़ा सा चलते हैं। नौकरी मिले तो जल्दी जल्दी।
तो अभी मम्मी लोग तो पूजा कर ली हैं, जिसका वीडियो आप देख ही चुके हैं, और मैं आप लोग को ही दर्शन कराता हूँ। अपन भी आशीर्वाद लेते हैं, कैसे कैसे रहते हैं यहाँ का अरेंजमेंट। ये हैं हमारे शिव जी, जिनकी पूजा होती है तीज में। यहाँ पर पूजा पाठ का पूरा सामान रखा गया है। ये फुलेरा जो बहुत ही ब्यूटीफुल डेकोरेट किया गया है, मम्मी लोग तो नहीं किए हैं, सिस्टर्स लोग किए हैं, और बहुत बढ़िया लग रही है जो सेटअप है। तो कल के प्रिपरेशन सभी से चालू हो चुकी हैं। यहाँ पर क्या बन रहा है, सिंघाड़ा तो भूंजा जा रहा है अभी, और यहाँ पर मम्मी इलायची को भून रही हैं, और नानी दूध गर्म कर रही है। तो ये आज रात को बना कर रख दोगे कल सुबह खाने के लिए, तो बढ़िया से जमे रहेगा वो।